हिंदी क्या है? मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा? हमें हिंदी बताती है। सुबह माँ के भजन हो या रात को दादी की लोरियाँ, हमारे ख्वाबों का बिस्तरा सदा हिंदी दिखाती है। दिखावे में भले हम मॉम डैड कहते हैं, मगर जब चोट लगती है जुबां फिर माँ चिल्लाती है। नकली पैर चलने का सहारा तो दे सकते हैं, दौड़ने में रफ्तार असली पैरों से ही आती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा? हमें हिंदी बताती है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा YouTube चैनल दीपावली, और आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको स्क्रीन पर बेल बटन दिखाई देगा, आप उस बेल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप यहां पर ओके कर देंगे तो आने वाली सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको YouTube पे आ जाया करेंगे। वैसे तो सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है। भारत की मातृभाषा होने के बाद भी हिंदी का उपयोग बहुत कम है। आइए जानें क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा सन 1918 से है, जब महात्मा गांधी ने हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बुलाया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में दर्शाया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के सभी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंक किंतु अंतर्राष्ट्रीय होंगे। क्योंकि ये निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था, इसलिए इसे दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस के मायने अलग हो गए हैं। अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग से आज हिंदी भाषा का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। हिंदी दिवस को मनाने के पीछे आज प्रायोजन होता है कि हिंदी के प्रयोग के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका महत्व पहुंचाया जाए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमारा देश इंग्लिश बोलने वालों से इतना प्रभावित है। हिंदी भारत की मूल भाषा है, परंतु जिस तरह से भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, उसी तरह कई भाषा एवं बोलियाँ भी यहाँ बोली जाती है। इन सब के अलावा देश में हिंदी एवं आंगल भाषा अर्थात इंग्लिश के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही चली जा रही है। इंग्लिश बोलने वाले लोग हिंदी भाषी की तुलना में आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसे अगर किसी ऑफिस में कोई हिंदी में बात कर रहा हो और उसी समय कोई इंग्लिश में बात करे, तो सभी का ध्यान इंग्लिश भाषी की तरफ होता है और उनकी सुनवाई भी हिंदी भाषी की तुलना में जल्दी होती है। कड़वा है पर सच है, देश में देश की मूल भाषा से ज्यादा त्वजू पश्चिमी भाषा को दी जा रही है। उसका मुख्य कारण है रोजगार प्राप्ति में आने वाली रुकावट। इंग्लिश को सभी अच्छी रोजगार कंपनियां तथा अन्य संस्थाओं में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। कोई छात्र अपनी फील्ड की दिग्गज ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसे रोजगार में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि उसके आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुंचता है। इंग्लिश को आज के वक्त में अत्यंत आवश्यक भाषा माना जा रहा है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पर इसे ना बोलने वालों को क्यों हीन दृष्टि से देखा जाता है? अगर गौर से सोचा जाए तो ये महज एक भाषा है, जिसका मतलब मैं अपनी बात सामने वाले को उचित तरीके से समझाना, जो कि टूटी फूटी इंग्लिश या अन्य भाषा के जरिए भी की जा सकती है। लेकिन इंग्लिश ने एक फैशन की तरह हमारे देश को प्रभावित कर रखा है। जब देश पर फिरंगियों का आतंक था, हमारे देश का हर कोना अंग्रेजों का गुलाम था,
उस वक्त देश को सही तरह से नियंत्रित एवं चलाने के लिए अंग्रेजों को स्थानीय लोगों को आवश्यकता थी और जिसके लिए अपने कार्यालयों की निजी पोस्ट पर भारतीय लोगों को रखा जाता था, जिसके लिए उन लोगों को इंग्लिश सीखना जरूरी था ताकि यह अंग्रेजी सरकार एवं भारतीय नागरिकों के बीच तालमेल बिठा सके। उस वक्त इन सरकारी मुलाजिमों को देश की जनता द्वारा इनकी इंग्लिश जानने की क्षमता से पहचाना जाता था और ये मुलाजिम देश की अनपढ़ एवं गरीब जनता के बीच बहुत शान से जीता था, जिसके कारण उन्हें अलग ओहदा मिलता था। जिसके अलावा जो भारतीय इंग्लिश जानते थे वो पढ़े लिखे अथवा बड़े घरानों के होते थे। इन्हीं सब कारणों से देश की जनता के बीच इंग्लिश भाषा का रोब अलग था, जो यहाँ की परंपरा बन गया। आज आज़ादी के बाद भी इंग्लिश भाषी की तरफ लोगों का आकर्षण ज्यादा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी धरातल पर हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया और शान के साथ अपनी भाषा को अपनाया और उसके प्रयोग पर जोर दिया। आज के वक्त में इंग्लिश जरूरी है, जिसे सीखना समय की मांग है, पर इससे डरना या ना बोल पाना शर्मिंदा होना गलत है। जरूरत है बिना डर इसे सीखने तथा आत्मविश्वास के साथ अपनाने की है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।